Hey my beauties, और आप सबका स्वागत है सिंप्लीफाई योर कुकिंग के किचन में। और मैं चाहती हूँ आपकी ब्यूटी और भी ज्यादा निखरे। ये वाली जो मैजिकल चीज है वो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, लगभग मुझे एक महीना हो चुका है और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे। इम्प्रूवमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई योर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कई बार होता ये है कि सीड्स के बेनिफिट्स भी हमें पता होते हैं, सीड्स खाने चाहिए रेगुलर डेज में वो भी हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं खा पाते हैं उनके टेस्ट की वजह से। तो चलिए आज सीड्स को टेस्टी बनाते हैं। ये है मेरे पास 250 ग्राम के करीब मिक्स सीड्स, जिसमें है यहाँ पर साइड में दिए हैं इसमें कौन से सीड्स हैं। वाटरमेलन है, साथ में मेलन है, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड और काले वाले तिल हैं। यहाँ पर मैं 250 ग्राम मिक्स सीड्स के साथ ले रही हूँ 100 ग्राम जितनी सौंफ और 100 ग्राम हम लेंगे सफ़ेद वाले तिल। तो तिल के बेनिफिट्स भी आपको पता होंगे, इनफैक्ट आपको सभी के बेनिफिट्स पता होंगे, लेकिन अक्सर हम खाते नहीं हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मैंने इसे टेस्टी बना के अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू किया है। लगभग मुझे यहाँ पर एक महीना हो चुका है आज, तो इसके बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस मुझे लग रहे हैं अपने आप पे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर काला नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून जितनी लेंगे और उसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक और काला नमक दोनों ही आप अगर स्वैप करना चाहें या एक स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ड्राई पहले बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब इतने मिक्सचर के साथ में हमें लेना है 2 नींबू, यानी कि 250 ग्राम मिक्स सीड, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम तिल के सामने हमें लेना है 2 नींबू का रस। और नींबू बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिए, सारा रस इसमें आ जाना चाहिए। यहाँ अच्छे से हमने नींबू का रस ले लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब पानी ऐड क्यों करना है, उसका रीज़न ये है कि हमने जो इसमें नमक वगैरह ऐड किया है ना, पानी ऐड करने से जो नमक है वो सीड्स के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा, नमक और हल्दी। तो इससे क्या होगा कि नमक और हल्दी का जो टेस्ट है वो सभी एक एक दाने के ऊपर और एक एक दाने के साथ जब आप इसे खाएंगे तब आपको मिलेगा। तो पानी यहाँ पर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही लेना है। बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए मिक्सचर हमारा, जो बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए बट मॉइस्ट रहना चाहिए। इसे इस तरीके से दबा के ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे और ऐसे ही इसे ढक के हम किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं है तो इसीलिए ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो इसे इस तरीके से हाथों से अलग अलग करना है। और ये देखिए, तो सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो सीड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट अक्सर पसंद नहीं आता है, लेकिन ये हमें डेली रूटीन में तो ज़रूर शामिल करने चाहिए। सच बताऊँ तो आफ्टर 30 तो ये मस्ट चीज़ होनी चाहिए हमारे रूटीन के अंदर। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने इसे ले लिया है और अब हम इसे हल्के से रोस्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है एक बात का कि इसे हमें मीडियम या हाई फ्लेम पे रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें दाने जो हैं छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। अगर आप इसमें अजवाइन भी ऐड करना चाहें तो 100 ग्राम अजवाइन भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसे हमें रोस्ट करना है। ये रोस्ट हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद करना है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम जितनी धाना की दाल, यानी कि जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं उसके अंदर से दाल जो बनती है उसे रोस्ट करते हैं, नमक वाली होती है वो, और वो मार्केट में रेडी अवेलेबल होती है। तो वही मैंने इसमें ऐड कर दी है लास्ट में, क्योंकि उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए लास्ट में ऐड करना है। और हल्का सा जब ये गर्म हो तो उसके साथ में इसे मिक्स कर लीजिए बस, और इसे फिर ऐसे ही छोड़ लीजिए। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद में भर के रख सकते हैं और इतना जो है ये आराम से 6 महीने तक चलेगा। तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में तो खाना नहीं होता है, तो आराम से इसे 6 महीने तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। विजिबल डिफरेंस है, इसीलिए रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। मैं जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। बाय बाय।